वंदे मातरम। दोस्तों हम तिरंगा लहराएंगे, भक्ति गीत गुनगुनाएंगे, वादा करते हैं हमारे देश को दुनिया का सबसे प्यारा देश बनाएंगे। सभी भारतवासियों को रूबी किशोरदा बोलकर का प्रणाम। मेरे स्कूल का नाम है जिला परिषद प्राथमिक केंद्र शाला सुकलवार। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ रही हूँ। दोस्तों आजादी का मतलब सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। दोस्त हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें स्वतंत्र भारत में जन्म मिला है, पर यह आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली। इसके बदले में हमारे कितने वीर जवान शहीद हुए हैं। दोस्तों केवल एक नौजवान अपने देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर जाता है तो केवल एक ही जवान तैयार नहीं होता, क्योंकि उन्हें बूढ़े माँ बाप के कई सपने यानी कि चूड़ियां, मंगलसूत्र और तैयार होती है कई हसरते। दोस्तों कभी वो जवान शहीद हो जाता है तो पता है क्या होता है? पता है, धरती माँ का सीना फट जाता है, रूह कांप जाती है और उनके बूढ़े माँ बाप के सपने चकना चूर हो जाते हैं। दोस्तों एक जवान शहीद हो जाता है तो केवल एक परिवार ही नहीं रोता, बल्कि हर इंसान रोता है जो शहादत के मायने समझता है और अपने देश के प्रति प्यार रखता है। दोस्तों जब तिरंगे से लिपटे हुए जवान को आखिरी बार एक माँ अपने सीने से लगाती है तो उन 133 करोड़ हिंदुस्तानी रोते हैं। यही अपने देश की सच्चाई है। दोस्तों अब ये देश 1960 वाला देश नहीं रहा, अब एक नया भारत है। घर में घुसेगा भी और मारेगा भी, ये देश ना कभी रुकेगा ना कभी झुकेगा। दोस्तों इस अवसर पर हम कसम खाते हैं आत्मनिर्भर बनेंगे, स्वदेशी चीज का इस्तेमाल करेंगे, लोकल को होकल बनाएंगे। दोस्तों मुझे एक छोटी सी बात पर गर्व है कि मैं हिंदुस्तान की हूँ और हिंदुस्तान मेरा है।